नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, भीम निषाद जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और समाजवादी पार्टी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका में माने जाते हैं। आइए सीधे चलते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी, भीम निषाद जी। भीम निषाद जी, आपका टीवी 7 में स्वागत। सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और अम्बेडकर नगर की जनता ने, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने श्री अखिलेश यादव पर भरोसा जताया है और हमारे नेता महबूब ये अगड़े पिछड़े गरीबों सबके मसीहा हैं। और हम सभी जो जनादेश मिला है 37 सीट, इसमें अगर करीब मैं समझ रहा हूँ कि 20 सीट पर बीजेपी के लोगों ने हेरा फेरी किया है, वरना हम पहुँच जाते 60-65-70 पे। और जनता समझ रही है, जनता जनार्दन है, देवतुल है। अब की बात जो हुआ 27 में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, जनता करेगी, हम नहीं, श्री अखिलेश यादव नहीं। जनता के लोग, नौजवान, किसान, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इस सबको देखते हुए बीजेपी का सफाया 27 में होना तय है जी। एक अग्नि परीक्षा होगी, उपचुनाव आने वाले दिनों में होना है, कई सीटों पर होना है। अम्बेडकर नगर में 2 सीटें मान के चला जाए, कटहरी विधानसभा और जलालपुर, ये रिक्त होगी। तो ऐसे में ये जीत दोहराना लोकसभा का एक अग्नि परीक्षा के समान हो, क्या लगता है ये जीत उपचुनाव में दर्ज होगी? उपचुनाव में जितने भी उपचुनाव होंगे सारी सीटें समाजवादी जीतेगी, और जलालपुर और कटहरी ये समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ बीजेपी का कोई मतलब नहीं। कभी इतिहास कभी बीजेपी ने जीता ही नहीं, जब ये उग रही थी नहीं जीतती है, अब तो ये डूबती जहाज बन रही है, तो कोई मतलब नहीं रह गया है। ये बहुत बड़े मदारी लोग हैं, ये कभी जीतने वाले नहीं हैं। अगर इनको अवसर मिल जाए तो धरती बेच देंगे, आकाश बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे और खिलती कली का चमन बेच देंगे। अगर देशवासी सोते रहे तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। ये लोग जल्लाद हैं, ये गरीबों के शोषक हैं, हर वर्ग में गरीब होता है, ये कुछ देने वाले नहीं हैं। उपचुनाव यही दो नहीं, कटहरी या गोसाईगंज या आपका जलालपुर ही नहीं, जो भी जितने हम उपचुनाव लड़ेंगे सब जगह हम लोग जीत हासिल करेंगे। उपचुनाव में हम जीतते हैं, हर पूरी सीटें जीत लेते हैं, इसमें कोई लड़ता भी नहीं है। लड़ते हैं लोग तो आधे मन से आकर लड़ते हैं जी। यहाँ पूरा विश्वास है, जो भी कैंडिडेट हमारा होगा लड़ाए जाएंगे सब। बाकी हमारा लड़ना थी तो संगठन तय करेगा, जिले के लोग तय करेंगे। 4-4 विधायक हमारे भाई हैं यहाँ, जिला अध्यक्ष हमारा बहुत अच्छा है और संगठन पूरा सब भाई हैं, तो संगठन तय करेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब नेता के दिल और दिमाग में है, भीम को एडजस्ट तो करना ही है, वो तो करेंगे। क्या आश्वासन मिला था? सुल्तानपुर में टिकट कट गया और क्या कहते हैं, और काफी लंबे समय से आप वहाँ काम कर रहे थे, और नहीं साफ शब्दों में बताना कि क्या आश्वासन मिला 2024 में आप प्रत्याशी हुए, वहाँ रामगोल निशान निशानी जी लड़ाएंगे, कहाँ से लड़ाएंगे ये तय करना मेरा काम। कुछ आश्वासन मिला अखिलेश जी से? मैं जगह नहीं बता सकता, मानी जी ने कहा है कि भीम को लड़ाऊंगा, तय है। हम लोगों का हेलीकॉप्टर से जब मानी जी जा रहे थे तभी इशारा करके गए हैं कि भीम को लड़ा देना है जी। तो हम अपने आप को अपनी पार्टी समझते हैं। अब हमारे मुखिया हैं, हमारे महबूब नेता हैं, और जिले के हमारे 4-4 भाई विधायक हैं, जिला अध्यक्ष है, संगठन पूरा है, ये तय करेगा कि भीम को कहां से लड़ा। कटहरी विधानसभा में आपको लोग चर्चा बना रहे हैं, निषादों में बड़ी चर्चा है कि आप आ रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई है? क्योंकि 6 महीने भी उपचुनाव होना है। अब संगठन को लोग चर्चा बना रहे हैं, मैं तो कहा नहीं अपने मुंह से, संगठन चिल्ला रहा है, मैं तो नहीं कहा हूँ किसी से मैं लड़ने जा रहा हूँ, न तो फोन करके बताया हूँ। चुनाव के दौरान हमने प्रचार प्रसार गांव-गांव में किया, जितना बन सका, गोसाईगंज, कटहरी, अकबरपुर, जलालपुर, जहाँ भी बन मिला। यही नहीं, चुनाव के दौरान मैंने घोसी में जा कर के भी, वहाँ संत कबीर नगर भी, आजमगढ़ में भी, जौनपुर, जितना हमसे बन सका, पार्टी हमारी थी, दिन रात हमने ये करने का काम किया। जैसा कि महबूब नेता हमारे स्वभाव और व्यवहार के बारे में वो भी जानते हैं, पूरा संगठन जानते हैं। संजय निषाद के बाद अखिलेश यादव जी आपको बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लगता है संजय निषाद की तोड़ निकाली जा रही है पूरे प्रदेश जी, निषाद जी को? पूरा प्रदेश का नेतृत्व निषाद समाज का, मछुआ समुदाय का, स्वजातीय जो भी हमारे हैं, निषाद, कहार, कुहार, गौड़, गोड़िया, इनका नेतृत्व करने के लिए मानी जी ने आशीर्वाद दिया है, और आशा और भरोसा है कि ये जातियां हमारे पर भरोसा जता रही हैं।
इनको और समय समाजवादी पार्टी में लोग आस्था रखते हुए साइकिल पर रोड देने का काम 65-70% अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में इस जातियों ने साथ दिया है और 27 में इनको पूर्ण रूप से इकट्ठा करके हम लोग सरकार बनाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरहे बनारस गुनगुना रही है, सामने अवध यह देख कर मुस्कुरा रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। देश में आज प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, आज 7:30 बजे वो शपथ लेंगे, क्या लगता है सरकार 5 साल चलेगी? देखिए, सरकार जो है आधी अधूरी में रहेगी, क्योंकि लोग अपने अपने ढंग से मंत्रालय हर चीज मांग रहे हैं और श्री मोदी जी को ये नागवार अमित शाह जी को लग रहा है। कभी जो है किसी को तवज्जो दिए नहीं है, पहली बार बिहार के हैं श्री नीतीश जी को देखे होंगे आप, फंस के बैठाए, आओ आओ आओ, ये लोग बड़े अभिमानी लोग हैं, जा रहे थे कि हम फ्री गल्ला खिला रहे हैं और 2000 रुपया दे करके हम बुद्धू बना लेंगे। ये जनता बुद्धू बनने वाली नहीं है, इनकी सफाई तय है और भविष्य में बीजेपी 29 में बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इनकी बेईमानी जो है, विपक्ष बहुत मजबूत है, अब इनका जो हथकंडा है कि फ्री का फर्जी वोट 2 करोड़ या कुछ डलवा नहीं पाएंगे। इनकी विदाई हम नहीं, जनता तय करेगी। जनता जनार्दन देवतुल है, मतदाता ही भगवान है। हर वर्ग इनसे बहुत ही परेशान आहत है। केवल 2-4 जो अमीर हैं इनके साथ हैं, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास है, मीडिया मैनेज करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही वोटिंग हो गई और तुरंत ये 400 पार शेयर मार्केट को बढ़ाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए श्री अमित शाह 150 लगभग डीमों को फ़ोन किए। ये हार अपने आप को माने हैं। अभी गोरखपुर में श्रीमती काजल को हराया गया ज़बरदस्ती, और वही जो है हमारे कांग्रेस से लड़े थे गठबंधन के शत्रु प्रसाद जी थे, उनको ज़बरदस्ती हराया गया, बुजुर्ग आदमी रो रहे थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, करीब 20 सीट पर हमारे साथ बहुत अन्याय बीजेपी के लोगों ने किया है। जनता को बदला लेगी भविष्य में, इनका सफाया हर जगह से हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भीम निषाद जी। भीम निषाद ने सीधे तौर पर कहा समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर जीत दर्ज करे, लेकिन उन्हें जबरदस्त प्रशासन ने हरवा दिया। खैर जो भी हो, 37 सीटों पर जीत दर्ज हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2029 की लोकसभा चुनाव की आहट है और 2027 के चुनाव में पूरी तरह स्थिति साफ है। सरकार 27 में सपा की वापसी हो रही है और चुनाव में पूरी तरह जीत का दावा किया है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज अंबेडकर। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे ज्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें।